हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी मीडियम संस्कृत और इंग्लिश मीडियम संस्कृत की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं, जो भारतीय संस्कार है, आपकी बुक में है। इसमें हम लोग भारत के संस्कार को जानेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए आज के इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। संपूर्ण व्याख्या और प्रश्न उत्तर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को एकदम अच्छे तरीके से देखना और पढ़ना। आज हम लोग इसका व्याख्या एकदम अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। व्याख्या एकदम अच्छे तरीके से होगा। अगर आपने पिछले वाली लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देख लें। अगर आप इस वीडियो में नए भी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और डाउनलोड कर ले मेरे ऐप, जो आपको सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिलेंगे। सॉरी फॉर एक है ना डिस्टर्बेंस की प्ले स्टोर में मेरा ऐप अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है, ऐप है। कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर क्या ऐप सेफ़ है। एकदम ऐप सेफ है, ये आपके कोई भी चीज़ को हैक नहीं करता, आपसे कोई परमिशन नहीं लेता, सिर्फ आपसे कुछ लोकेशंस की परमिशन लेता है, तो आप उसे दे सकते हैं। एकदम सेफ है ये और आपको एकदम निश्चित होगी इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ी सी ऐड आती है तो आप लोग को उस ऐड को इग्नोर करना है, ठीक है। तो मैंने इस ऐप को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। उसमें नोट्स और सारी चीज़ें मिल जाएंगे, क्लास भी होती है उसमें, ठीक है। चलिए आज की क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय जान लेते हैं, आज क्लास में क्या पढ़ने वाले, भारतीय जीवन दर्शन में। चलिए पाठ परिचय स्टार्ट करते हैं। भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म, मुंडन जिसे कहा जाता है, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। भारत में अनेक संस्कार को मनाए जाते हैं, जैसे हो गए मुंडन, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार। बहुत सारे संस्कार जो हैं हमारे भारतीय जीवन में मनाए जाते हैं या फिर होता है ना। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व का ज्ञान सके कि जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है ना। छात्रगण यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं, संस्कारों का अर्थ यानी कि पूरे भारत में कैसे संस्कार होते हैं, इस पर विवाद है कि इस पाठ को इसलिए बनाया गया है कि स्टूडेंट्स संस्कार के बारे में जानें, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके, ठीक है। भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं, ठीक है। भारतीय संस्कृति में बहुत सारे संस्कार हैं, तो इस संस्कार को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कार जो है कि सिर्फ व्यंग रूप में ही प्रयोग होते हैं, वो सीमित हो गए हैं, है ना। किंतु संस्कृति के रूप में ये भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। लेकिन यहाँ पर भारत में जो है संस्कार अभी भी चल रहे हैं। विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कार के प्रति उन्मुख जिज्ञासु हैं। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय तथा महत्वपूर्ण निरूपित किए गए। तो महत्व जो है ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, संस्कार का क्या महत्व है। चलिए ठीक है, चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। भारतीय जीवन में जो है प्राचीन काल से ही संस्कार को महत्व दिया गया है, क्योंकि प्राचीन संस्कृति में ज्ञान जो है संस्कार से ही मिलता था। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। यहाँ पर संस्कार जो है पहले ज़माने में ऋषियों की कल्पना थी कि ऋषि लोग कैसे वेद मंत्रों का पाठ करते थे, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने को कहते थे, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए हवी के ज़माने में, ठीक है। ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना है। रूप को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए सभी संस्कार मानव के कर्म से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है, ठीक है। चलिए संस्कार के बारे में अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं, ठीक है। जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6, शिक्षा काल में 5, गृहस्थ जीवन में संस्कार, विवाह रूप के एक और, मरने के बाद एक संस्कार होता है। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं, ठीक है।
पांच टाइप्स के होते हैं, उसके 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। जन्म से पूर्व को संस्कारों में गर्भदान, पुष्पवन और श्रीमंत, ये तीनों होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किया जाता है। बचपन के संस्कारों में जातक्रम, नामकरण, बाहर निकलना, अन्नग्रहण, चूड़ाकर्म और कर्ण वेद, ये सब कर्म होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदार आरंभ, केशांत और क्षमापर्तन संस्कार होते हैं। अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं तथा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में आना होता है, जहाँ पर शिष्य जो हैं उस गुरुकुल का नियम का पालन करते हैं और वहाँ पर एक ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन करते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बिहार बोर्ड में अधिकतर पूछी जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु के घर में ही शिक्षा वेदार आरंभ, शिक्षा शिष्य वेदा आरंभ करते थे। वेदों को महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। आज जैसे साइंस महत्व है, प्राचीन शिक्षा में वेद महत्व था, ठीक है। किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था, ठीक है। और गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। इसमें गोदान मुख्य क्रम होता है, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब संस्कार आपको याद रखने ताकि आपको दिक्कत ना हो। समापर्तन संस्कार होता है, जिसका उद्देश्य शिष्य का गुरु घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्या को का उपदेश देकर भेजते हैं। उपदेशों में प्रायः जीवन के कर्तव्य को बताया जाता है, ठीक है। जैसा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपनी विधवता पर घमंड मत करो इत्यादि, ठीक है। विवाह संस्कार होता है, समापर्तन के बाद विवाह संस्कार होता है, जहां व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आरंभ करता है। विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, उनमें वागदान, ठीक है, मंडप निर्माण, वधु के वर वक्षपक का स्वागत, वर वधु का निरीक्षण। आज सभी लोग शादी में जाते हैं तो ये सब देखते हैं। निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहण, है ना, धान के लावे से हवन, सप्तपदी और सिंदूरदान, बहुत सारे काम और भी होते हैं, ठीक है। वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक जैसा ही है। इसके बाद गर्भधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार हर आदमी के भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार होते हैं। हर आदमी ईच पर्सन ये संस्कार को बिलोंग करते हैं। सारे संस्कार होते हैं उस आदमी के, ठीक है। तब वो पर मरने के बाद एक दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की आरंभ करते हैं। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं, यानी कि शैक्षिक, यानी कि शिक्षा के ऊपर, है ना। अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन, समापर्तन संस्कार आदि होते हैं। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उसके नाम क्या क्या। संस्कार कुल 16 होते हैं, जन्म से पूर्व 3 और शिक्षावस्था में 6, उसके बाद है, उसके बाद यौवनावस्था में विवाह संस्कार होता है और व्यक्ति के बाद एक मरण होता है, ठीक है। चलिए संस्कार किसे कहते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करना है, 5 वाक्यों में उत्तर देना है। संस्कार जो है व्यक्ति में गुणों के धारण को संस्कार कहते हैं, व्यक्ति में गुणों के धारण को संस्कार करते हैं। संस्कार जो है का वास्तविक अर्थ शुद्ध होना है। वैसे कुल 16 संस्कार माने गए, विवाह संस्कार होने ही वस्तु हुआ। मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ऐसे ही अगर आप लोग लिखते हैं तो आप लोग को इस नंबर, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप लोग 9 में दिए होंगे एग्जाम, ठीक है। विवाह एक पवित्र संस्कार है, माना गया है हमारे वेदों में, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, ठीक है। आपने देखा कि कौन कौन से होते हैं, वधु के एक वरवक्ष का स्वागत, वर वधु के एक दूसरे को देखना, कन्यादान, अग्नि स्थापना, बहुत सारे सिंदूरदान आदि होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं। इसमें लेखक यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें स्टूडेंट्स को, यानी कि विद्यार्थी को, संस्कार की महत्व को शिक्षा, है ना, समझना होगा। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, ये आप लोग को लिखना है, ठीक है।
चले। किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? तो पहले हम लोग गोदान संस्कार, पहले किसान संस्कार कहता था, इसको हम लोग गोदान संस्कार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर है ना प्रथम छोर क्रम हजामत होता था, इसमें छात्र के घर वाले गुरु के यहाँ गाय देना होता था, इसलिए किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना, यहाँ आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताएं कि संस्कार कितने हैं तथा जन्म पूर्व संस्कार को नाम लिखें। आप लोग लिख देंगे, मुझे विश्वास है। जन्म पूर्व संस्कार 3 होता है, गर्भधारण, पुष्पन और सीमांत नयन। भारतीय संस्कार पाठ में लिखकर क्या विचार है? तो उनका विचार है कि व्यक्तित्व का निर्माण जो है संस्कार से ही होता है, इसलिए विदेशों में भी संस्कार प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग अपनी देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को करने जाएंगे, जो जिसका नाम नीति श्लोका है। ठीक है, नीति श्लोका है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।